वेलकम टू पंकज 98 दोस्तों, यहाँ पे ट्रिपल सी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आप लोग फॉर्म भर के बहुत ही दिन से इंतजार कर रहे थे कि अब एग्जाम डेट हमारी आ जाए, एडमिट कार्ड आ जाए, तो यहाँ पे जल्दी एडमिट कार्ड जारी होने वाला और आपका एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। इसलिए यहाँ पे वीडियो आपको बैक टू बैक डेली की डेली वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। उसके पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे जितने लोग विजिट करते हैं 100% में 2% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 98% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं। तो आप ही बताइए, आप लोग से हम लोग सिर्फ इतना ही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है और हम लोग आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेटर वीडियो बनाने का और अच्छे पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट बनाए और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2022 में 1,00,000 सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी से जल्दी पहुंचाइए। मैं पहले नहीं कहता था, मैं कहना शुरू कर दिया हूं, तो वीडियो को आइए आगे हम लोग बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे कह रहा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको यह बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहला जो यहाँ पे है आपका ऑप्शन दिया लाइनक्स, दूसरा यूनिक्स, तीसरा जो ऑप्शन आपका MySQL और चौथा ऑप्शन दिया ऊपर के सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला वो क्या आपका ऊपर के सभी। क्या ऊपर के सभी? सभी क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे हल करिएगा कंटिन्यू, और आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद अपना रिकॉर्ड कैसे देखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड कितना, हमारा स्कोर कितना है, हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, कौन सा IT गैजेट है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा IT गैजेट, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ऊपर के सभी। तो IT गैजेट कौन सा है? ऊपर के सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहां पे अगला क्वेश्चन आ गया है, पेटीएम मोबाइल ऐप के संस्थापक है, जो पेटीएम आप लोग चलाते हैं मोबाइल ऐप पेटीएम है, उसके संस्थापक है आदित्य शर्मा, विजय शेखर शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर वर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसके पहले अभी तक आप लोग अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से ही आपके जो वीडियो होती है वह रैंकिंग में जाती है और आपका यूट्यूब समझता है कि नहीं आप लोग इसको ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो भाई आप जहां से पढ़े इतना सपोर्ट कर ही सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, अगला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में है, कह रहा है ALU का प्रमुख कार्य गणितीय क्रियाओं व तर्क की क्रियाओं को करना है, ट्रू या फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बिल्कुल ट्रू होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ड्रोन कैमरा मोबाइल ऐप का उदाहरण है, ड्रोन जो ड्रोन कैमरा होता है वो मोबाइल ऐप का उदाहरण है, ट्रू या फॉल्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? फॉल्स होगा, बिल्कुल नहीं है। क्या होगा? फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 6, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को बदलने के लिए क्लिक करते हैं, डिस्प्ले अपीयरेंस में, ब्राइटनेस में, डिटेल्स में। तो जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है उसको चेंज करना, तो आपको जाना होता है कंट्रोल पैनल के या सेटिंग्स में, अपीयरेंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन होते हैं? ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन यहां शुरू है, कितने कंट्रोल बटन होते हैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में, कितने कंट्रोल बटन होते हैं? 3, 4, 5, 2। तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कह रहा है यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूनिक्स, MS-DOS, विंडो 95, पास्कल। तो यहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है, यहां पे पास्कल। पास्कल आपको पता है एक प्रकार की लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है, ट्रू या फॉल्स।
आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि आप अपना स्कोर कार्ड कैसे चेक करेंगे। अगर आपको स्कोर कार्ड चेक करना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं 25 क्वेश्चंस में से, कितना आपका क्वेश्चन सही हो जा रहा है बिना बताए, तो आपको सिंपल से अपने गूगल में जाना, वहां पे जाके टाइप करना है Pankaj98। जैसे Pankaj98 टाइप करेंगे तो आपको हमारी ऑफिशियल साइट आ जाती है Pankaj98 एजुकेशन, बेस्ट कंप्यूटर कोर्स का, बेस्ट कंप्यूटर कोर्स Pankaj98 एजुकेशन। आप उस पर क्लिक करेंगे, मैंने नीचे यहाँ पे www.Pankaj98 भी लिख दिया, तो www नहीं लिखेंगे तो भी आ जाएगा। आप वेबसाइट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, होम पेज पे आपको फोटो या कोर्सेस आ जाते हैं। आपको राइट साइड में 3 लाइनिंग दिखेगी, उस पर क्लिक करना और वहां पे जाना आपको ऑनलाइन टेस्ट में। जैसे ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करें तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, अवर आल क्विज और अवर एग्जाम्स। तो अवर एग्जाम्स उनके लिए जो हमारे बच्चे कोर्स करते हैं DCUCA का, लेकिन आपको जाना कहाँ पे, अवर आल क्विज में। अवर आल क्विज में जैसे ही जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा अवर आल CCC क्विज, उसमें ढेर सारे क्विज होंगे, उसमें इस क्वेश्चंस का भी सेट डाला गया। वहां पे आप क्लिक करेंगे, जिस क्विज को देना है उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन खुल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन जैसे CCC एग्जाम में आते हैं उस तरह से सारे क्वेश्चन एक एक आएंगे, आप उस पर क्लिक करिए, नेक्स्ट कर दीजिए। लास्ट में जैसे ही क्वेश्चन सबमिट खत्म होगा 25, आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट करेंगे तो आपको देगा व्यू स्कोर, व्यू स्कोर पे क्लिक करेंगे आपको बता देगा 25 में आपने कितना नंबर पाया, आपके स्कोर कार्ड कितना है, और नीचे आपका जो गलत क्वेश्चन उसका राइट आंसर क्या। तो आप बिल्कुल जाइए, इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप जरूर अपना स्कोर कार्ड चेक करें, क्योंकि स्कोर कार्ड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ट्रू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर स्टार्ट होने के पश्चात प्राप्त होने वाली स्क्रीन को बैकग्राउंड कहते हैं। कंप्यूटर के स्टार्ट होने के पश्चात जो प्राप्त स्क्रीन होती है उसको बैकग्राउंड कहते हैं। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल ट्रू होगा। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन आपका है, मेनू बार विंडो में सबसे नीचे उपस्थित रहता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, विंडो के टॉप पे रहता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, मैं उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम आपका नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, स्कोर कार्ड आप लोग जरूर चेक करिएगा, लास्ट में भूलिएगा मत। राइटर में बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम होता है, जो राइटर होता है, राइटर यानी आपको पता है लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन है, राइटर ही समझ जाइए, लिब्रे ऑफिस नहीं लिखा, सिर्फ राइटर लिखा तो भी आप समझ सकते हैं। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 1, अनटाइल्ड 1, अनटाइल्ड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये आपको भाई बताना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर आपका क्या होगा, अनटाइल 1, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे सेव की गई फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए प्रयोग करते हैं, सेव, सेव एस, सेव इज, इनमें से कोई नहीं। किस फाइल को सेव करने के लिए क्या करते हैं, सेव एज। अगर आपकी फाइल पहले से सेव है और उसको किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, सेव एज का। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दो सेल को आपस में जोड़ना कहलाता है। अगर दो सेल है उनको आपस में जोड़ना क्या कहलाएगा, विभाजन, मार्जिंग, स्प्लिट, इनमें से कोई नहीं, तो मार्जिंग कहलाएगा। स्प्लिट मतलब बांटना होता है। प्रिंट प्रीव्यू उपस्थित रहता है, आपसे पूछा जा रहा है प्रिंट प्रीव्यू कहां पर उपस्थित रहता है, ये आपको बताना है। एडिट फाइल फॉर्मेट इंसर्ट में, तो आपको पता है कि प्रिंट प्रीव्यू कहां पे रहता है, फाइल में रहता है। ये भी लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन है, जब लिब्रे ऑफिस नहीं था तो ऑफिस 2003 से पूछता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेबल के बॉर्डर व शेडिंग को बदला जाता है, फॉर्मेट, टेबल, इंसर्ट, फाइल। तो टेबल के बॉर्डर और शेडिंग को किसमें जाके बदला जाता है, आपको यह बताना है। तो किसमें बदला जाता है, फॉर्मेट में जाके, कहां पे, फॉर्मेट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर, हीडर व फूटर एक पेज पर लगाने से एक पेज पर ही सीमित रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल फॉल्स, बी। आप एक पेज पे लगाते तो सभी पेजों पे लग जाता है। ठीक है, चार्ट को बनाने में प्रयोग किया गया कुल एरिया कहलाता है, चार्ट एरिया, डाटा एरिया, प्लॉट एरिया, शीट एरिया।
क्या कहलाता है? चार्ट एरिया। क्या कहलाता है? आपका चार्ट एरिया, आपको यह पता होना चाहिए। ठीक, प्रत्येक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती है, एक्सेल से पूछ रहा है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ट्रू होगा। 16,384 कॉलम होते हैं आपके लिब्रे ऑफिस में। अगर एमएस ऑफिस में चले जाए तो वहाँ पे 16,384 एमएस ऑफिस में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाता है 256। अगला क्वेश्चन, पेस्ट कमांड की टेक्स्ट को उसके फॉर्मेट के साथ पेस्ट करता है। जो पेस्ट कमांड होता है, यहां पर आएगा पेस्ट कमांड टेक्स्ट को उसके फॉर्मेट के साथ पेस्ट करता है, तो बिल्कुल हाँ, मतलब कोई चीज है उसमें आप फॉर्मेटिंग की कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो पूरा फॉर्मेटिंग के साथ ही पेस्ट करता है। ठीक है, डाटा का फिल्टर यानी डेटा, यहां पर रहेगा डेटा का फिल्टर करने के लिए डेटा क्लीनर का प्रयोग करते हैं। डेटा को फिल्टर करने के लिए डेटा क्लीनर का प्रयोग करते हैं, ट्रू या फॉल्स? ठीक, तो यहां पर राइट आंसर होगा फॉल्स। फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? फिल्टर का, न कि क्लीनर का। कौन सा नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है? लैन, मैन, वैन, पैन। राइट आंसर मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आप जैसा कि फुल नेम से ही समझ सकते हैं, लैंड का लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लगभग मैंने सबका फुल नेम बताया है। अगला क्वेश्चन, ट्विटर किसका उदाहरण है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, ई शॉपिंग का, ईमेल का, सोशल नेटवर्किंग का? तो इसका राइट आंसर होगा सोशल नेटवर्किंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक वेब सर्वर का एक होता है URL, IP और IP एड्रेस HTTP। तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक वेब सर्वर का एक होता है IP एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का फुल नेम होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, .NET, यहाँ पे .25 के साथ है, .NET डोमेन का प्रयोग होता है एजुकेशन संस्था में, नेटवर्क संस्था में, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क संस्थान में। स्कोर कार्ड नहीं चेक किया तो हमारी साइट पे जाइए, वहां पे Pankaj98 पे, और अपना स्कोर कार्ड अवर क्विज में जाके जरूर दीजिए। ठीक है, तब तक मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कंप्यूटर वांड है, इंटरनेट साइट है, सर्च इंजन है, इनमें से कोई नहीं, तो याहू गूगल क्या है? आपको यह बताना है। तो सबसे पहले यहां पे जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर सी। याहू गूगल क्या एक सर्च इंजन है? इसी में हम किसी भी कंटेंट या किसी भी चीज को सर्च करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है, बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। अभी पूछ लिया जाए क्रोम क्या है, सर्च इंजन या वेब ब्राउजर, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि सर्च इंजन करके मारते हैं कि अरे यार क्रोम में भी सर्च करते हैं। तो क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है, न कि सर्च इंजन है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर है, न कि सर्च इंजन है। लेकिन याहू गूगल क्या है? आपके सर्च इंजन है। इससे क्वेश्चंस कई बार पेपर में आए और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं, तो आज मैं इसको क्लियर भी करने वाला हूँ ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपके लिए लेके आ गया हूँ, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिए कि देखिए ये चीज़ें क्या हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए बताने वाला हूँ, लिस्ट ऑफ टॉप 12 बेस्ट सर्च यानी 12 बेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। ठीक है, गूगल सर्च इंजन इज द बेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड एंड इट आल्सो वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट फ्रॉम गूगल। यानी गूगल जो है वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है, जो कि गूगल द्वारा बनाया गया, यानी गूगल का प्रोडक्ट है। बिंग यानी बिंग भी एक इज माइक्रोसॉफ्ट एंसर टू गूगल एंड इट वॉज लॉन्च्ड इन 2009 में। मतलब विंग भी जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, सर्च इंजन है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2009 में लॉन्च किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंग क्या है, तो ये भी सर्च इंजन है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये भी पूछा जा सकता है, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया, आपको ये भी पता होना चाहिए। याहू मैंने भी बता दिया कि याहू क्या है, इसके बारे में
ढेर सारी जानकारी चाहिए तो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पंकज 98 एजुकेशन टाइप करना गूगल में, वहाँ पे आपको ईबुक मिल जाती है जिसमें पूरे डाउट्स को क्लियर किया गया और उसके बाद 500 क्वेश्चन भी दिया गया। अगर आपको नहीं चाहिए तो सिंपल से हमारी साइट पे जाइए पंकज 98, आप टाइप करें गूगल में आपको मिल जाएगा बेस्ट कंप्यूटर कोर्स, और उस पर जाके आपको सिंपल से राइट साइड में तीन डॉट दिखेंगे वहां पे क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट में जाना है, वहां पे आवर क्विज और आवर एग्जाम का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपल से आवर क्विज में जाना होगा, वहां पे ट्रिपल सी ऑनलाइन क्विज मिलेंगे, वहां पे हर सेट लेटेस्ट क्वेश्चंस के ऑनलाइन टेस्ट आपको 25 क्वेश्चंस के मिलेंगे जो कि आपको वहाँ पे अपने स्टार्ट टेस्ट पे दे के विदाउट इन्वेस्टमेंट यानी कोई भी पैसा नहीं, आप टेस्ट वहाँ पे दीजिए 25 क्वेश्चंस का सेट है, हल करिए एक सेट को और अपना स्कोर बोर्ड देख सकते हैं कि आप कितने नंबर पाए हैं, और जो राइट आंसर हो तो वही और जो आपका रॉन्ग आंसर उसका राइट आंसर क्या, ये सब कुछ आपको हमारी ऑफिशियल साइट पर मिलेगा। तो इस वीडियो के बाद आप उस पर भी जाके विजिट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी है, बैडू है, एवल है, ask.com है, एक्साइट है, डक डॉक गोभी है, ये सब क्या है आपके सर्च इंजन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आपको समझ आएंगी। अब क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, तो ये सब क्या है, वेब ब्राउजर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यार। यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, ट्रू या फॉल्स? देखिए मैंने अभी जस्ट पहले बताया था इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है आपके वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फेसबुक पर लाइक करने को कहते हैं, कितना मस्ट क्वेश्चन आया है यार, इसी बात पे आप लोग लाइक कर दो दबा के वीडियो को। फेसबुक पर लाइक करने को कहते हैं लाइक, हैंड डाउन, डिसलाइक, थम्स अप। तो यहाँ पे जो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थम्स अप, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, आप एक बार स्कोर बोर्ड जरूर इस वीडियो के बाद जाके वहां पे चेक करिएगा कि आप कितना नंबर्स पा रहे हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट F1, शिफ्ट प्लस F1, कंट्रोल प्लस यहाँ पे F1 रहेगा और इनमें से कोई नहीं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा F1। लिब्रे ऑफिस हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, आपको यहाँ पे F1 प्रेस करते ही आपको उससे रिलेटेड हेल्प मिल जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अस्थाई मेमोरी में उपस्थित रहती है उसे कहते हैं, जो अस्थाई मेमोरी में उपस्थित रहती है उसे कहते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रैम, रोम, सीपीयू या SRAM। तो इसमें से अस्थाई मेमोरी क्या है, रोम। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका था उसका राइट आंसर यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन नंबर रोम, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन और बनते हैं। रोम का फुल नेम, तो रोम का फुल नेम होता है रीड ओनली मेमोरी, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और यहाँ पे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल ये सारे फुल नेम्स याद होने चाहिए और फुल नेम को लिखकर रट्टा मारने से नहीं याद होगा, प्रैक्टिस पे याद होगा। अगर आप लोग कहीं पे ऑफलाइन क्लासेस करते हैं यानी कोचिंग में जाके पढ़ते हैं तो भी आप ऑनलाइन क्लासेस पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप ऑनलाइन सभी क्वेश्चंस को नहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि ट्रिपल सी है भैया, प्रैक्टिकल अपने जगह और थियोरेटिकल अपने जगह। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट, बाइट, मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला वो क्या होगा आपका, बिट होगा, क्या होगा, बिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर में डिस्क को लगाया जाता है, जो कंप्यूटर होता है उसमें डिस्क को लगाया जाता है, वीडियो में, हार्ड डिस्क में, डिस्क ड्राइव में, और चौथा ऑप्शन शायद होगा आपका इनमें से कोई नहीं, जो नीचे मैं उसको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि राइट आंसर इन्हीं तीन में से होने वाला है। तो कंप्यूटर में डिस्क को लगाया जाता है तो कहाँ लगाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डिस्क ड्राइव में। डिस्क मतलब सीडी डिस्क होता है, डीवीडी डिस्क, तो सीडी और डीवीडी जो होता है वो कहाँ पे लगाते हैं, डिस्क ड्राइवर में। लोग कहते हैं ना यार ड्राइवर लेते आना डिस्क ड्राइवर, तो सीपीयू में वो डिस्क ड्राइवर पहले सेट रहता है, और अब के जो सीपीयू आ रहे हैं देखेंगे तो उसमें कैसेट लगाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहां से डिस्क ड्राइवर को हटा दिया गया, एक्सटर्नल डिस्क ड्राइवर का यूज होता है अगर हमको कोई जरूरत पड़ती है तो। अगले क्वेश्चन तरफ देखिए चौथा, उसमें ऑप्शन जो था इनमें से कोई नहीं था,
ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्विटर में समानांतर कितने सेकंड का वीडियो पोस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि ट्विटर में समानांतर कितने सेकंड का वीडियो पोस्ट किया जाता है, 140 सेकंड, 20 सेकंड, 150 सेकंड, इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, कितने सेकंड का, 140 सेकंड राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहां पे विंडो 10 में सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का एकाधिकार किसके पास होता है, यानी विंडो 10 है उसमें सॉफ्टवेयर का स्वामित्व का अधिकार किसके पास है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप बताएंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि आपको पता है कि विंडो 10 को लॉन्च करने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, तो भाई एक का अधिकार भी उसी के पास होगा। यहाँ पे आईबीएम को फुल नेम पूछा जाता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब तो विंडो 11 भी आ गया, आपको पता भी होना चाहिए ये सारी चीजें। इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसने किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, गूगल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, सेम ऑप्शन है, बस क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ बदल गया। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसने किया, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि इसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, किस सॉफ्टवेयर की सहायता से यूजर सूचना को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है, प्रोटोकॉल, वेब सर्वर, ब्राउजर, इनमें से कोई नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आप तो भी भाई राइट आंसर आप लोग ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने ऊपर थोड़ा सा समझाया था और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे किस सॉफ्टवेयर की सहायता से, किसके, ब्राउजर, ब्राउजर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम, जो क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जब तक आप खोलेंगे नहीं तब तक आप किसी चीज को सर्च कैसे करेंगे, उसको खोलते हैं उसके बाद गूगल सर्च करते हैं तभी जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। अभी भी अगर आप लोग भूल गए हो लाइक करना तो लाइक और सब्सक्राइब यार जरूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे 2021 में तो नहीं कुछ कर पाए, 22 में हम लोग 1,00,000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग जरूर पूरा करोगे। पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर, प्रोसेस कंप्यूटर, प्रोटेक्शन कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पीसी का पूरा नाम क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, क्या होगा, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी भी कॉपीराइट सॉफ्टवेयर को अवैध कॉपी करने को कहते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी कॉपीराइट सॉफ्टवेयर को अवैध कॉपी करने को कहते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी, हैकिंग, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन और ब्राउजिंग। तो यहाँ पे ब्राउजिंग रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पायरेसी होता है, कुछ लोग सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, नहीं, सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उदय, UIDAI मतलब आधार कार्ड से रिलेटेड नाम, आधार कार्ड की साइट है, उदय का पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी इंडिया, यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी इन यू और अनपिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है, ऑप्शन नंबर 1, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीआर का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी, विटल रिस्पांस, वोकल रेशन, इनमें से कोई नहीं। तो वीआर का फुल नेम होता है वर्चुअल रियलिटी, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर पर डेटा किस रूप में सेव होता है, जो कंप्यूटर होता है उस पर डेटा किस रूप में सेव होता है, एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा, हाइब्रिड डेटा, इनमें से कोई नहीं। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन शायद आपको मिला था। तो यहाँ पे कंप्यूटर पे कोई भी डेटा जो सेव होता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी डिजिटल डेटा में ही सेव होता है, जितनी भी फाइल सेव होती है हम लोग डिजिटल रूप में करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे और यहाँ पे कह रहा है, कौन सी कुंजी टेक्स्ट को कर्सर के बाएं ओर से डिलीट करती है, कौन सी
कुंजी जो टेक्स को कर्सर के बाएं ओर से डिलीट करती है, जो कर्सर है उसके बाएं ओर से, डिलीट स्पेस बैक बार सॉरी बैक स्पेस इनमें से कोई नहीं और स्पेस बार, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है और इसका राइट आंसर आप लोग सोच समझ के बताइए। कर्सर के बाएं ओर से तो आपका क्या होगा, बैक स्पेस, क्या होगा बैक स्पेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपसे निम्न में सोशल साइट नहीं, मतलब जितने भी ऑप्शन दिए गए यहाँ पे चार इसमें सोशल साइट नहीं है, अमेजॉन ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम, तो भैया यहाँ पे सोशल साइट नहीं है आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या है आपका अमेजॉन, अमेजॉन जो होती ई कॉमर्स साइट है, सोशल साइट नहीं है, तो राइट आंसर अमेजॉन होगा, ठीक है। निम्न में कौन बैंक खाता का प्रकार नहीं है, लो ये क्वेश्चन भी आ गया, बैंक खाता का भैया प्रकार कौन नहीं है आपको यहाँ पे बताना है, चालू खाता बचत खाता आवर्ती खाता और चीट फंड खाता, तो शायद इसका आंसर सबको पता होगा चीट फंड खाता, यानी ये जो है बैंक खाता का प्रकार नहीं है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आ गया, डीएनएस का पूरा नाम, डोमेन नेम सिस्टम डेटा नेम सिस्टम डॉक्यूमेंट नेम सिस्टम इनमें से कोई नहीं, तो भैया डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम, क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन आपका 21 आ गया स्क्रीन पे, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार को कहते हैं, लो अभी जस्ट पहले मैंने बताया था उसके हिसाब से आप लोग तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, ई सेलिंग ई ड्रेसिंग ई कॉमर्स ई फाइनेंस, तो वस्तुओं के व्यापार को क्या कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ई कॉमर्स होगा, क्या होता है ई कॉमर्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग, यहाँ पे यक्स 0.25 पैकेज स्विचिंग नेटवर्क का उदाहरण है ट्रू या फॉल्स, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार पेपर में रिपीट भी हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि यह ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका क्या होगा यहाँ पे ट्रू होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अनिश्चित वित्तीय संकट से बचने के लिए आवश्यक है, मोबाइल प्रोग्राम बैंक खाता शाखा इनमें से कोई नहीं, तो भैया शाखा जरूरत नहीं है, मोबाइल प्रोग्राम भी हमको बैंक खाता रहना चाहिए ताकि हम किसी भी संकट से लड़ सकें, आर्थिक स्थिति से लड़ सकें, वैसे ऑप्शन के हिसाब से है, ठीक है, क्योंकि बैंक बैलेंस है तो सब कुछ है। कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता, खाते से नगद निकालना, ऋण के लिए आवेदन करना रहेगा, ऋण के लिए आवेदन करना यहाँ पे, और खाता का विवरण देखना, हाल का विवरण देखना, तो आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है। तो इसमें आप खाते का नगद निकालना नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि तुरंत कैश निकल जाए। बैंक का कार्य है जनता से जमा करना, जनता से ऋण प्राप्त करना, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो बैंक का कार्य क्या आपको यहाँ पे बताना है, तो सीधी सीधी बात, बैंक का कार्य होता है जनता से जमा भी करे और जनता से ऋण भी प्राप्त करे, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे दोनों होगा, ठीक है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो काफी ज्यादा पेपर में आते हैं, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को नोट करें या ना करें, लेकिन जाके आप ऑनलाइन टेस्ट देके अपना स्कोर बोर्ड, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे टेस्ट आपके टास्क रखे गए हैं 25 क्वेश्चन के, तो आप जरूर वहां पे जाइए और अपने स्कोर बोर्ड को चेक करिए। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आपके आ गया है कि लिब्रे ऑफिस काल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट करने की शॉर्टकट है, ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में आता है कि लिब्रे ऑफिस काल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट करने की शॉर्टकट बटन आपसे पूछा जाता है, तो कंट्रोल प्लस यू कंट्रोल प्लस सी अल्ट प्लस एम और कंट्रोल प्लस एम, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा कंट्रोल प्लस एम ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइस्पेस के फाउंडर हैं, माइस्पेस के फाउंडर टॉम एंडरसन जेम्स हार्डन टी वार्मसली और इनमें से कोई नहीं, तो आपको यहां पे इसके जो फाउंडर हैं यह बताना कि इसके फाउंडर कौन है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन्स हार्डन। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोलोग भाषा कब विकसित की गई, जो प्रोलोग भाषा है वह कब विकसित की गई, आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 1972 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में और 1960 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो प्रोलोग भाषा वह कब विकसित की गई थी, 1972 ईस्वी में। कब विकसित की गई, 1972 यानी 1972। ठीक है, अगला, विश्व का सबसे बड़ा हेड ऑफ कस्टर कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल और फेसबुक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, फेसबुक होगा। ठीक है, वीडियो का लाइक नहीं किया आप लोग लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक करने से आपका एक सपोर्ट भी मिलता है हमें। सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है राइटर, इलेक्ट्रिक पेन, पेंसिल, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पेंसिल। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी द्वारा बनाया गया, जीरोक्स, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी द्वारा बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, यह आपको यहां पे बताना है, तो जीरोक्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस ऑफिस का पहला संस्करण कब जारी किया गया था, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसका पहला संस्करण मार्केट में कब लॉन्च किया गया, 1980, 1985, 1960 और 1990। तो आपको पता है कि एमएस वर्ड का पहला संस्करण 1990 में आया था। मैं ऑफलाइन क्लासेज में ये चीजें बार बार बताता रहता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कंप्यूटर में जानकारी किस रूप में स्टोर होती है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल डेटा, एनालॉग डेटा, हाइब्रिड डेटा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिजिटल डेटा। मैं आपको पता है कि हम कोई भी फाइल कंप्यूटर में सेव करते हैं या कोई भी डेटा, तो किस रूप में स्टोर होता है, डिजिटल फाइल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्लाउड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल उपस्थित हैं, जो क्लाउड होता है उसमें मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल उपस्थित हैं, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, तीन होगा। क्या होगा, तीन। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आ गया कि OTP कितने समय के लिए वैलिड रहता है, जो OTP होता है वह कितने समय के लिए मतलब कार्य करता है। तो पहला आपके सामने जो ऑप्शन है, 1 साल 15 दिन 1 मिनट और 1 महीना 1 मिनट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है क्या रहेगा आपका, 1 मिनट। मिनिमम आपको 1 मिनट मिलता है, कहीं कहीं पे 30 सेकेंड भी मिलता है। जैसे आपको आधार कार्ड पे बात की जाए तो वहाँ पे आपको 30 सेकेंड ही मिल जाता है, लेकिन ये 15 दिन 1 महीना तो ऐसा संभव, बहुत साइट्स हैं 10 मिनट तक दे सकती हैं, लेकिन 15 दिन 1 महीना 1 साल देना असंभव है। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार तो कर देना आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आधार नंबर के साथ किस बैंक ने सबसे पहले ATM और माइक्रो ATM लॉन्च किया, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है आपका, बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पोस्ट इन्फो संबंधित है, बैंक से, पोस्ट से और ट्रेवलिंग से, यहाँ पे एक ऑप्शन और आपका नीचे है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो सबको पता होना चाहिए किससे, पोस्ट से, किससे, पोस्ट से। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट एड्रेस कितने बाइट का होता है, जो इंटरनेट एड्रेस होता है वह कितने बाइट का होता है, आपसे यह पूछा जा रहा है।
दो चार छ पांच, तो राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, 6 बाइट का। कितने बाइट का होता है? 6। ठीक है, यस टीटीपी में टीटी का पूरा नाम है, टेक्स्ट ट्रांसफर, टेक्स्ट टाइप, टेलनेट टाइप, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एचटीटीपी का फुल नेम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो यहां पे टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो राइट आंसर क्या होगा, टेक्स्ट ट्रांसफर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि पेपर में भी आता है पूरा। इंप्रेस में कितने मेनू होते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है, 10, 11, 12, 13। इंप्रेस में आपसे नंबर ऑफ मेनू पूछ रहा है, तो कितने होते हैं? 11। फाइल, एडिट, व्यू, इस तरह से आपको 11 मिल जाते हो, आगे आपको मिल भी जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। बैंक किस पर ब्याज लेता है? ऋण, निकासी, लेन देन, जमा। तो पता होना चाहिए कि बैंक जो ब्याज लेता है वो किस पे लेता है? ऋण पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोटोकॉल का परिवर्तन गेटवे द्वारा संभाला जाता है, ट्रू या फॉल्स? जो प्रोटोकॉल होता है उसका जो परिवर्तन होता है वह गेटवे द्वारा संभाला जाता है, तो बिल्कुल ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी ट्रू फॉल्स ही है आपके पास। ईमेल बिना इंटरनेट से भेज सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, नहीं भेज सकते। अगले क्वेश्चन, पालतू जानवर के नाम से पासवर्ड बनाना चाहिए? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर पालतू जानवर है तो उसके नाम से पासवर्ड बनाना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर फॉल्स होगा, नहीं बनाना चाहिए। आपको अपने जो बहुत करीबी उस नाम से पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लोग ट्राई करना जरूर कोशिश करते हैं। लिब्रे ऑफिस में एक्सेल को जानते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये लिब्रे ऑफिस से आ गया है कि लिब्रे ऑफिस में एक्सेल को जानते हैं, काल्क, ड्रा, राइटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लिब्रे ऑफिस में जो कि एक्सेल को किसके नाम से जानते हैं? काल्क के नाम से। किसके नाम से? काल्क। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, लिब्रे ऑफिस काल्क में फार्मूला किस प्रतीक से हमेशा शुरू होता है? और यहाँ पे कुछ ऑप्शन इसके नहीं दिख रहे हैं, परसेंटेज, यहाँ पे डॉलर है, एड रेट है, और यहाँ पे इक्वल है। तो इसका राइट आंसर आपका इक्वल ही होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक्सेल में काल्क हो चाहे एमएस एक्सेल हो, कोई भी वर्जन हो, आप कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो उसके पहले आपको बराबर का चिन्ह लगाना होगा, अन्यथा वह काम नहीं करेगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस काल्क में कितने प्रकार से सेल रेफरेंस होते हैं? कितने प्रकार के सेल्फ रेफरेंस होते हैं? ठीक है, आपको यह बताना है। तो यहां पे कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, लिब्रे ऑफिस काल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं? ठीक है, आपको यह बताना है। तो यहां पे कितना हो सकती है? 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, लिब्रे ऑफिस काल्क में केवल एक वर्कशीट होती है, ट्रू या फॉल्स? ये बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस काल्क में केवल एक वर्कशीट नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती है, बाकी आप इंसर्ट करा सकते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ईमेल में एक साथ कई लोगों को ईमेल भेज सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? मतलब एक साथ ईमेल में आप कई लोग को ईमेल भेज सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, बिल्कुल ट्रू होगा, आप सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा, आप बिल्कुल भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। पहचान के लिए पहचान के सत्यापन के लिए जरूरी है अपनी पहचान, अगर बैंक में या कहीं पर जाते हैं तो वहां पे आपकी अपनी पहचान बताने के लिए क्या देना जरूरी होता है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि आपकी पहचान के सत्यापन के लिए इसमें से क्या जरूरी है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ऊपर के सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऊपर के
सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन है आपका, एटीएम सेवा प्रदान नहीं करता है, यानी एटीएम की सेवा प्रदान नहीं करता है, नगद जमा, नियमित बिल भुगतान, मिनी स्टेटमेंट, शिकायत। तो जो एटीएम होता है वह किस सेवा को नहीं देता है? तो नगद भुगतान तो देता है, या नियमित बिल भुगतान देता है, मिनी स्टेटमेंट भी देता है, शिकायत, आप एटीएम के द्वारा कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? शिकायत होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कार्य मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से संभव है, यानी कौन सा कार्य जो है मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से संभव है? यहाँ पे फंड ट्रांसफर, बिजली भुगतान, मोबाइल रिचार्ज, ऊपर के सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऊपर के सभी, यानी यहाँ पे सब चीज जरूरी है, ठीक है। बैंक ब्याज देता है डिपॉजिट पर, लोन पर, विड्रॉल पर, ट्रांसफर पर, मतलब इसमें से पूछा जा रहा है कि जो बैंक होता है वह जो कि आपको ब्याज देता है, किस पे ब्याज देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? डिपॉजिट होगा। क्या होगा? डिपॉजिट। अभी तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। और आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ है, इसके अलावा और भी पीडीएफ चाहिए तो हमारी ऑफिशियल साइट pankaj98, गूगल में जाइए pankaj98 बस टाइप करिए, आपको हमारी साइट आ जाएगी pankaj9edu.in ऑफिशियल वेबसाइट। उस पर जाएंगे आप, ईबुक में जाएंगे तो वहाँ पे एक ईबुक भी मिल जाएगी, ट्रिपल सी की जो पेड होगी 50-60 रुपये की, लेकिन उसके नीचे देखेंगे तो आपको बहुत सारे पीडीएफ जो है फ्री में मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको 100-100 क्वेश्चंस के सेट के पीडीएफ भी बहुत सारे मिल जाएंगे। और आप उसी वेबसाइट पे ऑनलाइन वाले में जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट में, तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट में दो ऑप्शन मिलता है, एक अवर एग्जाम और एक अवर क्विज। तो आपको अवर क्विज में जाना, वहाँ पे आप अपना क्विज भी मतलब अपना टेस्ट भी दे सकते हैं कि आप कितने नंबर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अवर एग्जाम में आपको नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे वो बच्चे जाएंगे जो हमारे यहाँ पेड कोर्स करते हैं, DCO से जो लोग कोर्स करते हैं उनको मिलता है वहाँ पे पासवर्ड लगाया, तो आपको कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। अगर क्विज में आप अपना क्विज दे सकते हैं तो बिल्कुल एक बार जाइए और वहाँ पे अपना क्विज जरूर दीजिए। दूसरी चीज, यहाँ पे जो बुक हमारी है वह शायद उसका रेट में बढ़ा सकता हूँ, CCC बुक का, तो उसमें कई सुविधाएं भी मिलेगी आपको, ठीक है। तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप जाके फिलहाल में आप फ्री की चीजें भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पे बताना है पांचवे क्वेश्चन में। तो पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? जो स्लाइड शो होता है आपका पावर पॉइंट में, उसको दोहराने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो लूप का। किसका? लूप का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइल स्टोर होती है, यानी आप कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट करते हैं तो कहाँ पे स्टोर होती है? माई कंप्यूटर में, रिसाइकल बिन में, कंट्रोल पैनल में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होता है, रिसाइकल बिन में। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा नॉइस सुनने को मिल रहा होगा क्योंकि हमारा रूम जो मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से कि रोड पे या हाईवे पे है, तो इसलिए थोड़ा सा गाड़ी जो जाती है तो उनकी आवाजें आपको मिल सकती है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर है, मतलब जो कंपाइलर होता है वह कंप्यूटर सिस्टम में क्या? हार्डवेयर है, प्रोसेसर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो आपका कंपाइलर होता है वह क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब इसका काम होता है कन्वर्ट करना, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, यहाँ पे कौन सी कंपनी 3D प्रिंटर बनाती है? हिमाचल प्रदेश, एप्पल, मलेशिया, कोसेरा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देना कि कौन सी कंपनी है जो कि आपकी 3D प्रिंटर बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि सबसे छोटा होता है नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, तो इसमें सबसे छोटा क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा क्या होता है? नोटबुक होता है। क्या होता है? नोटबुक। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्लॉकचेन कब शुरू हुआ? जो ब्लॉकचेन होता है वह कब शुरू हुआ था? 2010, 2007, 2008, 2003, तो 2008 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है,
प्रथम वेब ब्राउजर कब बनाया गया? 1970 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1990 में, 1995 में। तो प्रथम वेब ब्राउजर जो आपका बना था वो कब बना था? 1990 में। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कौन सा एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है? सेवा पासपोर्ट, पासपोर्ट सेवा, ई पासपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका? पासपोर्ट सेवा। ठीक है, आपके स्क्रीन में बोला क्वेश्चन आ गया है कि रुपया नामक शब्द किस भाषा से लिया गया? जो रुपया नामक शब्द होता है वो किस भाषा से लिया गया? हिंदी भाषा, अरबी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रुपया नामक आपको पता है जो भाषा ली गई है रुपया की, वो कहाँ से ली गई? संस्कृत भाषा से। किससे? संस्कृत भाषा से। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ चुका है। एक आईपी पता कितने बिट का होता है? 16, 32, 64, 128। तो जो एक आईपी पता होता है वह कितने बिट का होता है आपको ये बताना है। तो कितने बिट का होता है? वह 32 बिट का। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हम लोग। यहाँ पे OMR आउटपुट डिवाइस है ट्रू या फॉल्स? OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर आउटपुट डिवाइस है ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि एक प्रकार का यह इनपुट डिवाइस है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।